नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आर्मी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है, आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का होगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने मुख्यालय दक्षिणी कमान में ग्रुप सी के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन आर्मी ने हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड में ग्रुप सी कैटेगरी के अंतर्गत 58 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपके आवेदन है वो ऑफलाइन आमंत्रित किए गए हैं और फॉर्म आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करके आप उसको भर के अप्लाई कर सकते हो। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल 2022 से 14 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी में आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जिस तिथि से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भर के जमा करवाना होगा। यहाँ हम इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी ऑफलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी ग्रुप सी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, सिपाही वाली पोस्ट है वो 46 पद है, सिपाही वाला के लिए एक पोस्ट है, ड्राइवरी ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए दो पोस्ट है और लोअर डिवीजन क्लर्क या लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के लिए 9 पोस्ट है। टोटल आपसे 58 पदों के लिए ऑनलाइन यानी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इन पदों के लिए, सफाई वाले के लिए आपकी 10वीं पास होना चाहिए। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सफाई वाला के लिए अगर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप सफाई वाला के लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की अगर बात करें तो 10वीं पास और आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यानी अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है और आपके पास हैवी ड्राइवर लाइसेंस है और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, मेंटेनेंस रखने का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो एलडीसी के लिए आपके 12वीं पास होना चाहिए और किस साथ में आपके पास क्या है, टाइपिंग आपको क्या आनी चाहिए। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास कर रखी है किसी भी विषय में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपको टाइपिंग आना जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरियों में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो हेडक्वार्टर आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 30 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो लास्ट डेट आपकी 6 जून 2022 है। 6 जून 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। फॉर्म आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा और डाउनलोड आपको ऑनलाइन करना है, जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाले इसमें। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए ₹100 का आवेदन शुल्क रखा गया है। यानी आपको ₹100 है वो आपको आवेदन शुल्क देना होगा। अब बात करते हैं कि फीस का भुगतान कैसे करना है। तो उम्मीदवारों को फीस एप्लीकेशन फीस वो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करनी होगी। यानी आपको DD या फिर ऑफलाइन के माध्यम से आपको अपनी फीस का भुगतान है वो करना होगा। बात कर लेते हैं
आर्मी ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड आर्मी ग्रुप सी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट, जो भी क्या है पोस्ट के अनुसार मांगा गया है वो आपसे करवाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इन जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर के, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। तो पूरा पेपर आपका 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑफलाइन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ऑफलाइन होगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। प्रत्येक पेपर में कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक आपको दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा की कुल समय अवधि 2 घंटे रहेगी और प्रत्येक पेपर को पेपर होगा आपका 150 नंबर का होगा, यानी आपको 150 क्वेश्चन वो 120 मिनट में सोच समझ कर हल करने हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का बड़ा ही इंपॉर्टेंस रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी का सिलेबस होगा, उसमें सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा, अल्फाबेट, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंस रीजनिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस रीजनिंग, काउंटिंग फिगर्स, इनपुट आउटपुट और नंबर सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो इसमें अर्थमेटिक आएगी, अर्थमेटिक में आपके 9 से 10 टॉपिक है, जैसे कि एवरेज वगैरह, प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह, आपके कुल मिला के 8 चैप्टर वो हो गए। इसके अलावा यूनिटरी मेथड आ जाएगा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आ जाएगी, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेंस और स्टैटिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो ये आपकी 50 नंबर की आने वाली है। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर। ये आजकल कुछ ज्यादा ही पूछी जा रही है एग्जाम में, तो आपको पिछले 6 से 9 महीने की करंट जीके वो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। एवरीडे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, बुक एंड ऑथर, फेमस प्लेस इन इंडिया, डे एंड ईयर जो कि इंपोर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं और मिसकेलेनियस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएगी। तो आपको ज्यादा फोकस अपना करंट जीके पे ही रखना है क्योंकि करंट जीके से ही ज्यादातर चीजें पूछी जाती है और ज्यादातर है करंट जीके की। जो कि फेमस बुक है वो भी करंट जीके पूछी जाएगी, फेमस प्लेस जो कि अभी हाल ही में न्यूज में वो पूछे जाएंगे, डे एंड डेट जो कि हाल ही में चर्चा में हो तो वही पूछी जाएगी आपसे। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश में आएगा ग्रामर आएगी, वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एडियम एंड फ्रेजेज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल और सेंटेंस करेक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो जो कि 25-25 क्वेश्चन की आपको ये मिक्स टेस्ट है सभी टॉपिक के, वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके 50 टेस्ट है वो लगा सकते हो। टेस्ट लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको 4-4 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे और प्रत्येक ऑप्शन पे आप टच करके ही आप क्या है उस चीज का आपको पता लग जाएगा कि रॉन्ग आंसर कौन सा, राइट कौन सा है। आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आपको उस पर क्लिक करना है। तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप बिल्कुल फ्री है, टेस्ट है वो लगा सकते हो और अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सकते हो। बात करते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी की सैलरी बारे में अगर बात करें तो उसमें पे लेवल आपका सेकंड लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है और साथ में हमने चर्चा की इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी का सिलेबस क्या रहेगा,
इसकी सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड ग्रुप सी भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन देखकर उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।